जाट महासभा हरिद्वार द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में अर्जुन और भीम अवार्ड विजेता बबीता फोगाट का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि समाज से जुड़े कई बड़े नाम कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से जाट समाज की युवा पीढ़ी को प्रतिभावान लोगों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। पिछले साल की तरह इस बार भी नेहरू युवा केंद्र में जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दरअसल कार्यक्रम के माध्यम से जाट सभा हर बार ज्वाइंट समुदाय से निकलकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाकर सम्मानित करती है ताकि ज्वाइंट समाज के बच्चे इन लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और भविष्य को उज्जवल बना सके। हर साल 25 दिसंबर को ज्वाइंट महासभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वो बधाई के पात्र भी हैं और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज जाट महासभा ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूँगी और आभार भी प्रकट करूँगी। प्रेरणा देना चाहूँगा कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि करना क्या है आपको, और जब लक्ष्य निर्धारित करें तो उस पर निरंतर मेहनत करते रहें, क्योंकि हार जीत मायने नहीं रखती है। सफलता चाहे वो एक बार में मिले या हजार बार में, सफलता सफलता होती है। हरिद्वार का वार्षिक सम्मेलन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी प्रतिभा हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। आज जैसे हमने स्वामी जी को बुलाया, भाई सुभाष वर्मा जी 15 बार हिंद केसरी रहे उनको बुलाया है, बबीता फोगाट जी थी हमारी पहलवान रही हैं आपको पता ही है उनको बुलाया है, तो इन लोगों से जाट समुदाय ये प्रेरणा लेगा कि हम कैसे थे और इन लोगों ने कितने अभाव में कितने आगे तक गए। आज तो हमारे पास संसाधन हैं, तो संसाधन होने के बाद हम और आगे जाएं, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य। अच्छा है, बहुत दिनों के बाद मैंने सुना है कि जाट सभा ने परिवर्तन किया है। पहले ये मुख्य अतिथि के लिए राजनेताओं को बुलाया है, तो कहने का अभिप्राय है कि नौजवान बच्चों को पुरस्कार भी दिए हैं, तो इससे लगता है कि इससे एक नई जागृति एड्रेस।